गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मैं मम्मी का जो लुक मैंने क्रिएट किया था प्रिया की एंगेजमेंट में, मेरी नंद के एंगेजमेंट में, मैंने जो अपनी मदर इन लॉ का लुक क्रिएट किया था वो मैं आज आपको दिखाऊं। सो उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट मम्मी का जितना भी मेकअप और हेयर मैंने किया था उसका मैं आज आपको ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। एंड दिस यू कैन डू ऑन योर मदर इन लॉ, अपनी मम्मी पे, अपनी सास पे, किसी पे भी कर सकते हो। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल मेकअप, कुछ भी ऐसा मेकअप नहीं है कि बहुत इल्यूमिनेटिंग हो, बहुत चमकता धमकता हो, जो मम्मियों को पसंद नहीं आता। बहुत बेसिक सटल मेकअप होने वाला है फॉर एज वुमेन, तो आप ही डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अपनी चाची मामी जिसमें भी करना है, तो आज हम वही करने वाले हैं। तो अभी हम बस बात कर रही है मेरी मम्मी से और वो अभी मुंह धो के आएंगी, देन वी गोना स्टार्ट हर मेकअप। मैं आपको उनके बाल भी बना के दिखाऊंगी बिकॉज आई हैव डन दिस ब्यूटीफुल गजरा हेयर स्टाइल ऑन हर, तो वो भी हम करेंगे। तो अभी मम्मी को फेस वॉश देके आती हूँ, एंड दिस वन इज फ्रॉम मामा अर्थ, दिस इज वाइटामिन सी फॉर्मिंग फेस वॉश विद वाइटामिन सी एंड टर्मरिक। ये वाला फेस वॉश मैं पिछले एक साल से यूज कर रही हूँ एंड आई कैन सी द क्लियर डिफरेंस ऑन माई फेस। मैं इसके अलावा कुछ भी अपने फेस पर नहीं लगाती हूँ, इट्स ऑल्सो वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, इस पे ऊपर कैप लग जाता है, आप इसे बहुत आसानी से लेके जा सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है कि मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब 100% नेचुरल हैं, इनमें कोई पैराबिन, कोई सल्फेट्स नहीं है, ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया। तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज में बताती हूँ कि मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने फेस पे कोई भी केमिकल और हार्मफुल चीज नहीं लगा रहे हो, यू आर यूजिंग समथिंग रियली नेचुरल। ऑल्सो गाइज, यू कैन यूज माई कोड विच इज सिमरन 2021 फॉर 20% डिस्काउंट ऑन मामा अर्थ वेबसाइट। उसके अलावा मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको Amazon पे, नायका पे और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। मम्मी आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने मम्मी को फेस वॉश करवाया और फिर स्पंज से थोड़ा बहुत जो एक्सेस मुंह पे था वो साफ कर लिया पानी, और उसके बाद मैंने मम्मी को फेस पे लगाई बाय बाय ब्लैमिशेस फेस क्रीम फ्रॉम मामा अर्थ। ये वाली क्रीम मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करती है, मेकअप के नीचे बहुत अच्छा काम करती है। सो गाइज, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर एंड स्पीशीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई भी फाउंडेशन उठा के ऐसे ही नहीं लगा सकते अपनी मम्मी और या फिर जिनका भी आप मेकअप कर रहे हैं, आपको पहले उनका स्किन टोन चेक करना पड़ेगा। आप उनके स्किन टोन के हिसाब से उन्हें फाउंडेशन लगाओ, या फिर कोई ऐसा फाउंडेशन खरीद लो जो थोड़ा सा कोई कोई फाउंडेशन ऑक्सीडाइज्ड होके सेम कलर मैच कर जाते हैं, तो वैसे ही कुछ फाउंडेशन आप खरीद सकते हैं मार्केट में जाके, या फिर उनकी शेड का फाउंडेशन ले आओ। और उसे मैंने अच्छे से अप्लाई किया उनके फेस पे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी स्पंज, और स्पंज को मैंने गीला करके पानी निकाल लिया है इसका, तो बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो पाती है। अब क्योंकि इस एज में फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा वाइट नहीं होना चाहिए फाउंडेशन, थोड़ा सा डाउन टोन पे होना चाहिए। और उसके बाद मैंने अप्लाई किया यहाँ पे थोड़ा सा फेस पाउडर, बहुत हल्का हल्का, जिससे कि वो मेकअप वहीं का वहीं सेट हो जाए। और आँखों पे मैंने लगाया लाइट, बहुत लाइट ब्राउन शेड, पूरे सिर्फ उंगली से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी स्किन वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है रिंकल्स की वजह से, तो मैं बस हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ क्रीज एरिया पे। और उसके बाद मैंने बहुत हल्का सा डार्क ब्राउन लेके सेंटर में अप्लाई किया, जिसमें थोड़ा सा शिमर था, जिससे कि एक फिनिशिंग अच्छी आए। और उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन या फिर थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके एक ब्रश पे उसे आंखों के ऊपर ऐसे हल्का हल्का लैश लाइन के पास पास लगा दिया है। मैं लाइनर नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मम्मी का लाइनर बहुत जल्दी स्मज होता है, तो हम ऐसे पाउडर से हल्का हल्का लाइनर बना सकते हैं, उससे एक स्मोकी लुक आता है और आँखें बहुत अच्छी और सुंदर दिखाई देती हैं। यही सेम प्रोसेस आप आंखों के नीचे भी रिपीट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। इंस्टेड ऑफ काजल हल्का हल्का आई शेडो ऐसे डैप करके लगा दो एंड आंखों में एक एक बहुत अच्छा लुक आता है, बिल्कुल काजल वाली फीलिंग भी आ जाती है और आंखें सुंदर भी लगती हैं। उसके बाद मैंने मम्मी की आईब्रोज फिल करी। आईब्रोज में आपको ज़्यादा मोटी आईब्रोज नहीं बनानी है, जो मैंने एग्जिस्टिंग आईब्रोज थी मम्मी की उन्हीं को अच्छे से फिल कर दिया है, तो एक नीट लुक आता है उसी पे, तो उसको आपको अच्छे से फिल करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर लगा रही हूँ, आप कोई भी ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ इंडियन स्किन टोन पे ब्रॉन्जर लगाना क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लुक देता है, तो मैंने अच्छे से मम्मी के ब्रॉन्जर लगा दिया है। वही सेम ब्रॉन्जर मैं उनके माथे पे और उनके जॉलाइन पे भी यूज़ करूँगी, जिससे एक कलर उनके फेस पर आ जाए, तो ब्रॉन्जर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं हल्का हल्का ब्लश लगा रही हूँ, बहुत लाइट लाइट, मुझे ब्रॉन्जर वाला शेड ज्यादा पसंद है तो मैंने वही यूज किया उनके लिए यहां पर। उसके बाद हम बहुत हल्का हल्का हाइलाइटर लगाएंगे नोज पे, थोड़ा सा माथे पे और थोड़ा सा चिन की तरफ, एंड गालों पे मैंने ज्यादा हाइलाइटर नहीं लगाया है क्योंकि फाइन लाइंस में या फिर रिंकल्स में हाइलाइटर इतना अच्छा लुक नहीं देता है, तो आपको थोड़ा सटल रखना है मेकअप को तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और हल्का हल्का ब्राउन टोन पे हम यहाँ पे मेकअप कर रहे हैं। फिर मैंने मम्मी को बिंदी लगा दी, और बिंदी लगाने के बाद वी स्टार्टेड कि बिंदी मम्मी थोड़ा नीचे लगाती थी, तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा नीचे लगाऊंगी, सो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली ही बिंदी लगा ली अपनी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था लिपस्टिक लगाना,
तो मैंने मम्मी को लिपस्टिक दे दी, उन्होंने खुद से अप्लाई कर ली। पहले हमने थोड़ी लाइट लिपस्टिक लगाई और फिर वो मम्मी ने ही खुद से अप्लाई कर ली, तब तक मैंने उनके बाल पीछे से खोल दिए क्योंकि हमें बाल भी बनाने हैं अभी। और उसके बाद मैंने उस लिपस्टिक में थोड़ी सी एक डार्क कलर की लिपस्टिक ऐड कर दी क्योंकि हमें जो कलर टोन चाहिए था वो दोनों को मिक्स करके ही आ रहा था, तो हमने दोनों को मिक्स कर लिया और हमारी लिपस्टिक रेडी हो गई। अब हम बाल बनाएंगे। एक्चुअली आज मम्मी के बालों पर तेल लगा हुआ है, उस दिन नहीं था, तो उस दिन थोड़ा फ्लफी लुक आया था। अब सबसे पहले आपको क्राउन एरिया में से बाल लेने हैं, उनको बहुत अच्छे से बैक कॉम्ब करना है, बहुत आराम से, जस्ट लाइक दिस। ये वाला मूवमेंट आप रिपीट करेंगे तो बहुत ईजिली और अच्छा बैक कॉम्ब होता है। उन्हें पीछे करके फिर आपको बहुत नीटली क्राउन एरिया में से बाल लेके थोड़े साइड से यहाँ पे उनको टक कर देना है। 2 से 3 आपकी बॉबी पिंस लगेंगी एंड बहुत ईजिली आप इन्हें टक कर पाओगे। एंड ये वाला जो लुक है आप किसी भी फेस टाइप पर ट्राई कर सकते हो, राउंड फेस हो, लंबा फेस हो, सब पे वाला लुक अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रूफ नहीं है, तो ये बहुत यू नो एक डिसेंट सा लुक देता है फ्रंट से। एंड उसके बाद कान के बिल्कुल पास से मैंने यहाँ पे, मैंने आपको लाइन बना के दिखाई भी है, वहाँ पर चोटी बनाई है क्योंकि एग्जैक्टली यहीं पे अगर हम जूड़ा बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। उसके बाद मैंने एक डोनट बन यूज़ किया, इस तरीके का डोनट बन आप मार्केट से जाके खरीद सकते हो, 10 या 15 रुपये में आपको मिल जाएगा मैक्सिमम लोकल मार्केट से। इसमें कई सारे साइजेस आते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो कितना बड़ा जूड़ा आपको बनाना है। उसके बाद मैंने 2 U-pin लेके उसको ऐसे सर से उनके टक कर दिया पीछे बालों में लगा के, जिससे वो ज़्यादा हिले नहीं एंड जूड़ा हमारा लंबे टाइम तक सिक्योर रहे क्योंकि काफ़ी लंबा फंक्शन था उस दिन। और उसके बाद मैंने बालों को ऊपर ऐसे फैला लिया है, तो अभी मम्मी के बाल आपको बहुत स्टिकी लग रहे होंगे क्योंकि ऑयल है उनके ऊपर, लेकिन जब भी आप ये हेयर स्टाइल बनाएं तो बिना ऑयल के ही बनाएं। एंड उसके बाद मैंने एक रबर बैंड लेके उन्हें ऐसे फैला के पूरा उस डोनट बन के ऊपर ऊपर से रबर बैंड लगा दिया है, तो ये हमारा बन बन गया है। तो आपके बाल अगर थिन है या हैवी हैं, दोनों के लिए हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपका जो जूड़ा है वो काफ़ी हैवी बनने वाला है। और नीचे बचे हुए बालों को हम ट्विस्ट करके ऐसे राउंड राउंड करके पूरा सिक्योर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ यू पिंस। बस आपको ध्यान रखना है कि आप ट्विस्ट अच्छे से करें क्योंकि अगर ज़्यादा छोटे बाल होते हैं तो बाद में निकल आते हैं, बस उसका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर तो हम हेयर एक्सेसरी यूज़ करेंगे तो इतना कोई इशू नहीं है, तो 1-2 U-pins लेके आप उसे अच्छे से सिक्योर कर दो। उसके बाद मैंने गजरा ले लिया, दोनों साइड पे ऐसे U-pins लगा ले और ऐसे गजरे को आप सेट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, ये जो हेयर स्टाइल है टाइम इसमें कम लगता है, बहुत नीट लगता है एंड काफ़ी अच्छा लुक देता है। ये गजरा तो आपके हर एक आउटफिट पे चल ही जाता है, तो इस तरीके से मैंने गजरे से उसको सिक्योर कर दिया और वो जोड़ा बहुत सुंदर लग रहा था, कोई बाल इधर उधर से बिल्कुल नहीं निकला। और मम्मी ने पूरे फंक्शन में आराम से इधर उधर खूब मस्त इन्होंने घूमा है। एंड उसके बाद मैं इनकी आई लैशेस कर्ल कर रही हूँ, तो मम्मियों की लैशेस कर्ल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आँखें बंद करवा के मैं उनकी लैशेस कर्ल कर देती हूँ और बीच में ये लोग आ गए घूमने ऐसे ही। उसके बाद मैं यहाँ पर मस्कारा लगा रही हूँ एंड ये हो गया हमारा फिनिश्ड लुक। तो अब मैं मम्मी को बता रही हूँ कि इधर घूमो इधर घूमो, मम्मी फुल ऑन मॉडलिंग जोन में आ चुकी हैं, तो वो पूरे अच्छे से दिखाएंगी आपको पूरा घूम के। तो ये है उनका फाइनल लुक।